स्टार्ट विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई होप सो यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट होम। आई एम योर इंग्लिश टीचर मिस फाकिया हैदर फ्रॉम पेशावर मॉडल स्कूल नौशेरा कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव एडेड द मार्क्स ऑफ योर अप्रैल एंड मे एस वी टी विद योर जुलाई असेसमेंट एंड इंशाल्लाह वी विल एड द मार्क्स ऑफ योर जून एंड ऑगस्ट एस वी टी विद योर September assessment. So be focused on it, and if you haven't taken your August SVT till now from the school, so please take it and submit it after completion. Now let's come toward the topic which we have to do today. So now first you have to open your SVT page number 3. We have done page number 1 and page number 2 in our previous SVT's lecture. So now today we will do the page number 3 and look question number 6. Question number 1, 2, 3, 4 and 5 we have done these 5 questions in our previous lectures, and today we will solve the question number 6. So your question number 6 is make sentences. Make sentences, what is it? Make sentences, this is your question number 6. So today we have to do the sentences. We have 5 words here. Count the words. Word number 1, 2, 3, then you will turn the page, and in page number 4 we have 2 words, event and fairies. We have total 5 words, and we will use these 5 words in our sentences. By using these 5 words we will make sentences. So our first word is beams. फर्स्ट वर्ड इज़ बीम्स। बीम्स का मतलब होता है जो सूरज की किरणें, जब आप सूरज की तरफ देखते हैं सो आप जो है आप देखते हैं ना कि आपकी आइज़ जो है वो क्लोज होने लगती हैं, क्योंकि उसकी जो रेज़ होती है ना, जो सूरज की जो रेज़ होती है शाइनी शाइनी सी, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, हम उसकी तरफ नहीं देख सकते। सो दैट्स कॉल्ड द सन बीम्स। ओके, सो आई मेक द सेंटेंस फ्रॉम दिस दैट 21 sunbeams went around the sun. As we studied in our previous chapter, the apple, we have studied in the apple, there were written that 21 sunbeams went around the suns. ठीक है, आप कोई और सेंटेंस भी बना सकते हैं beams को यूज करते हुए, बिकॉज आई हैव टोल्ड द मीनिंग टू यू दैट beams मतलब होता है सूरज की किरणें. सो यू कैन मेक सेंटेंसेज बाई यूजिंग दिस वर्ड्स. नंबर सेकेंड इज शेड. शेड का मतलब होता है साया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड? शेड मींस साया. ठीक है, सो ट्रीज गिव अस शेड. ट्रीज गिव अस शेड, आपको पता है ना जो दरख्त होते हैं वो हमें साया देते हैं. सो ट्रीज गिव अस शेड. ओके, नाउ नंबर 3 इज स्कैरी. स्कैरी मीन डरावना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैरी? स्कैरी का मतलब होता है डरावना, जब कोई चीज़ ऐसी हो जिसको देख के हमें डर लगे, सो दैट्स कॉल्ड स्कैरी. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो आपको डर लगता है ना, सो आप कह सकते हैं आई वॉच अ स्कैरी मूवी. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पर, जो मैंने सेंटेंस बनाया है, आई हैव मेड द सेंटेंस दैट लाइन इज अ स्कैरी एनिमल. लाइन इज अ स्कैरी एनिमल, जो लाइन होता है वो एक डरावना जानवर है. डरावना होता है ना, आपको लाइन को देख के डर लगता है, सो दैट इज वाई वी कैन से दैट लाइन इज अ स्कैरी एनिमल. वी हैव मेड 3 सेंटेंसेज. नाउ टर्न यूअर पेज. वेन यू विल टर्न द पेज, इट विल बी पेज नंबर 4. इट विल बी पेज नंबर 4. लुक, आई विल राइट ओवर हेयर पेज नंबर 4. दिस इज योर पेज नंबर 4. इन पेज नंबर 4 वी हैव 2 वर्ड्स. वन इज़ इवेंट. इवेंट मीन तकरीब, कोई भी मौका जहाँ पर आप लोग गैदरिंग करते हैं, दैट्स कॉल्ड इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास ईद होती है वो भी कोई इवेंट होता है. अगर आपका कोई फंक्शन अरेंज होता है, दैट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ इवेंट. सो फॉर आई हैव मेड द सेंटेंस. सी एज आई मेक द सेंटेंस दैट इवेंट आई अटेंडेड वंडरफुल इवेंट लास्ट नाइट. लास्ट नाइट जो है मैंने एक बहुत हैरत अंगेज़ या बहुत अच्छी तकरीब जो है वो अटेंड की, मतलब उसमें मैंने शिरकत की. ठीक है, सो आई अटेंडेड वंडरफुल इवेंट लास्ट नाइट. सो आई हैव मेक दिस सेंटेंस. यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेज बाई यूजिंग दिस वर्ड. नंबर 5 इज़ फेरीज. फेरीज मीन कराया. ठीक है, जब आप हम बस में बैठते हैं सो या किसी भी रिक्शे में बैठते हैं या वैन में बैठते हैं, तो हम उस बैठने का हम उनको फेरीज देते हैं, यानी उनका कराया देते हैं. सो दैट्स कॉल्ड फेरीज. कंडक्टर्स कलेक्टेड द फेरीज. जो बस का या वैन का कंडक्टर होता है वो क्या करता है? फेरीज को कलेक्ट करता है, किराया लेता है सबसे. सो ये जो है हमारे पास एक सेंटेंस हो गया. ठीक है, सो नाउ लेट्स कम टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 को, क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रू एंड फॉल्स. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 इज ट्रू एंड फॉल्स.
राइट ट्रू टिक और फॉल्स क्रॉस जो हमारे पास ट्रू है ट्रू स्टेटमेंट के सामने हम लोगों ने टिक लगाना है, फॉल्स स्टेटमेंट के सामने हमने क्रॉस लगाना है. सो नंबर वन इज बसेज आर ओनली फॉर रिच पीपल्स. बसेज जो हैं वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती हैं. नो, ये है क्रॉस. बसेज आर नॉट ओनली फॉर रिच पीपल. बसेज आर ओनली फॉर कॉमन पीपल. जो कॉमन लोग होते हैं हर कोई बैठ सकता है बसेज में. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली रिच पीपल्स विल सिट इन बसेज. रिच पीपल के पास तो आपने देखा होगा कार्स होती हैं, उनकी अपनी कन्वेंस होती है, तो उन लोगों को तो बसेज में बैठने की ज़रूरत ही नहीं होती. सो बसेज में जो है हर कॉमन लोग बैठ सकते हैं, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं होती. नंबर टू इज ओल्ड बसेज हैड नो डोर्स. सो दिस वन इज़ ट्रू. जो हमारे पास ओल्ड टाइम की बसेज होती थी उनके डोर्स नहीं होते थे, तो दिस वन इज ट्रू. नंबर थ्री कंडक्टर्स कलेक्टेड द फेरीज. जो बस कंडक्टर होता है वो क्या करता है, वो फेरीज को कलेक्ट करता था, ठीक है, जो किराए लेता था. दिस वन इज टिक. नंबर फोर इज कंडक्टर्स ड्रॉव द बसेज. जो कंडक्टर होते हैं क्या वो बसेस को जो है चलाते हैं? नो, ड्राइवर चलाते हैं ना बसेस को. कौन चलाता है? ड्राइवर चलाते हैं. ड्राइवर ड्रॉव द बसेस, कंडक्टर जो है वो नहीं चलाते. सो दिस वन इज क्रॉस. सो बसेज आर ओनली फॉर रिच पीपल. क्रॉस, ओल्ड बसेज हैड नो डोर्स. टेक, कंडक्टर्स कलेक्टेड द फेरीज. टेक, कंडक्टर्स ड्रॉव द बसेस. फॉल्स, ठीक है, ये हमारे पास चार जो है क्या थे, ट्रू एंड फॉल्स थे. वी हैव डन द वर्ड सेंटेंसेज एंड वी हैव डन द ट्रू एंड फॉल्स टूडे. एंड दिस वन इंशाल्लाह वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 इन योर न्यू वीडियो. सो फॉर टूडे इट्स इनफ. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एंड आई एम अगेन टर्निंग टू यू, इफ़ यू हैव अनचेक चेक योर एसवीटी ऑफ द मंथ ऑफ ऑगस्ट फ्रॉम द स्कूल टिल नाउ, सो प्लीज़ टेक इट एंड कम्प्लीट सबमिट इट आफ्टर कम्प्लीशन, बिकॉज द मार्क्स ऑफ योर ऑगस्ट एंड द जून एसवीटी विल एडेड इन योर सितंबर असेसमेंट. सो बी फोकस इन इट एंड डोंट टेक इट ईजी. Allah Hafiz, take care of yourself.